नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। जो लोग नए हैं चैनल में, उन लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरा टारगेट 5 करोड़ कमाना है म्यूचुअल फंड से। मेरा 3 पोर्टफोलियो है, 2 म्यूचुअल फंड का और 1 स्टॉक का। तो मैं हर दिन अपना पोर्टफोलियो का अपडेट करता हूँ चैनल पे। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, कल का मार्केट काफी डाउन था। आज का दिन है 29th फरवरी। मैं 20th फरवरी का शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना डाउन है मार्केट। सारे फंड्स ही डाउन है, तो बहुत सारे प्रॉफिट बुकिंग्स हो रहा है और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता करेक्ट होने के लिए आ रहा है। तो क्वांट स्मॉल कैप का बात बात करता हूँ। क्वांट स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप के बारे में, सबसे ज्यादा क्वांट ही पिटा है क्योंकि 2% से ज्यादा नीचे गया है कल। और कंपेयर टू क्वांट, HDFC थोड़ा थोड़ा सा कम, फिर भी बहुत बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट से नीचे गया, 1.40। तो इन दोनों मिला के मुझे 5, 6, 7 और 8 हज़ार रुपये तो लॉस यहीं पर ही हो गया। और टोटल का बात करते हैं, बहुत ही, ये तो एक टाइम पे 34 हज़ार क्रॉस कर गया था टोटल प्रॉफिट, अभी 27,470 रुपये है। और HDFC स्मॉल कैप का भी 8,300 है। तो कल का मार्केट काफी डाउन था, मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी 50 सारे पिटे हुए थे एकदम मार्केट। तो HDFC मिड कैप का बात करते हैं और निपोन इंडिया मिड कैप का बात करते हैं, इनका भी लगभग सेम ही टाइप का रेशियो है, 1.51% डाउन था और ये 1.48% डाउन है। तो 2,200 रुपये यहाँ पे लॉस हुआ है, और निपोन का भी 2,400 रुपये। तो टोटल रिटर्न्स का बात करते हैं, करीबन 9,900, करीबन 10,000 रुपये अभी टोटल दिखा रहा है HDFC में, और 5,000 रुपये दिखा रहा है निपोन में। मोतीलाल ओसवाल का बात करूँ, ये भी लार्ज और मिड कैप होने के बावजूद भी काफी ज्यादा पिटा हुआ था, 1.31%, तो 1,344 रुपये डाउन था। तो 6,139 रुपये का प्रॉफिट है टोटल। तो टोटल जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए कि टोटल 13,931, करीबन 14,000 रुपये, 14K लॉस इन अ सिंगल डे। तो 1.60% पे डाउन हो गया पोर्टफोलियो। तो 784 लगाया था, अभी 842 दिखा रहा है। एक टाइम पे ये 842 के जगह 860 प्लस हो गया था, 862 या 863 हो गया था। तो काफी काफी नीचे गिर गया है अभी तो, और लग रहा है कि आगे से मार्केट और भी डाउन में जाएगा। तो टोटल का बात करते हैं, 57,000 मेरा प्रॉफिट है टोटल में अभी तक, और 49% XIRR दिखा रहा है। तो ऊपर अगर जाऊं मैं थोड़ा सा, एक सेकंड रुकिए, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, एक सेकंड। हाँ, ऊपर मैं जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो 785 इन्वेस्टर था, अभी 842 है। एक दिन का लॉस दिखा रहा है 9,14,000, और टोटल XIRR दिखा रहा है 50% अभी तक तो। लेकिन ये लग रहा है फिर भी और भी नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट का कंडीशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, काफ़ी वोलाटाइल है मार्केट अभी तो। और ये और भी नीचे जाता रहेगा अप टिल इलेक्शन। इलेक्शन के वक्त शायद उसको एक एक इम्पेटस मिलेगा ताकि वो ब्रेक करके आगे जाए मार्केट, लेकिन अभी तक तो लगता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इलेक्शन तक ये कंसोलिडेट होते रहेगा। तो यही था मेरा वीडियो आज के लिए। तो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं हर दिन अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ, मेरा दोनों पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, दोनों ही शेयर करता हूँ। तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, और अगर कोई कमेंट पूछना है मेरे मेरे मुझसे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट से कर सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट के लिए वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू।